हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनन्या गर्ग एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कंप्लीट 6 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2024। एंड मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ जो एक नीट एस्पिरेंट के माइंड में होते हैं और जो शायद आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी बट आप अभी भी कन्फ्यूज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो ये होगा कि क्या पॉसिबल है अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ तो क्या मैं 6 महीने में नीट क्रैक कर सकता हूँ। इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 6 मंथ्स? और या फिर मतलब जो बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और हम 6 महीने में करके क्या कर लेंगे, क्या हमारा सिलेक्शन भी हो सकता है? तो अगर 6 महीने में नीट क्रैक हो सकता है तो फिर बच्चे 2 साल से भी मेहनत कर रहे हैं? तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ओवरथिंक कर रहे होंगे। तो देखो, मैं ये कहूँगी कि जिन बच्चों का थोड़ा बहुत बैकलॉग चल रहा है या फिर वो बच्चे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पर बीच में उनका गैप लग गया किसी रीज़न से और अब वो दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को वापस से स्टार्ट करो, आप कर सकते हो 6 महीने में। और वो बच्चे जो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे अब 6 महीने में, तो उनको मैं बोलूँगी कि इट्स यू हु इज़ गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन। आपके एफर्ट डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, जो बच्चे 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कंसिस्टेंटली करना होता है। अगर वो दिन में 2-3 घंटे भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। अगर वो डेली का काम डेली कंप्लीट करेंगे तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब 6 महीने बचे हैं तो आपका ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 12-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो 2 साल वाली पढ़ाई 6 महीने में करनी पड़ेगी। बिकॉज कोई वो चेंज नहीं हुआ है सिलेबस, जो इतना उन्हें पढ़ना उतना ही आपको पढ़ना है सिलेक्शन के लिए, तो वो कम नहीं है। बट क्योंकि उन्होंने 2 साल में किया तो उन्होंने धीरे धीरे किया, अब आपको एक साथ करना पड़ेगा तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है ये। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं हो सकता, क्योंकि किया है बच्चों ने और होता है, मेरा खुद का हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में सबसे पहले यही बोला कि इट्स यू हु इज़ गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन, क्योंकि हो तो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट बहुत मुश्किल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो करोगे या नहीं करोगे। काफ़ी सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे और वो बीच में गिव अप कर देंगे, और वही तो नहीं करना है ना यार। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू गिव अप। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स। आई नो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट पॉसिबल तो है ना, इट इज़ पॉसिबल। 6 महीने की बात है यार, सिर्फ सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो बस 6 महीने के लिए। 6 महीने सिर्फ पढ़ाई कर लो, उसके बाद एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर खूब इन्जॉय कर लेना। तो पॉसिबल है, बट वो 6 महीने जो अब आपको मेहनत करनी होगी और वो सेक्रीफाइस करना होगा वो बहुत मुश्किल है। बट डॉक्टर बनने के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना यार, सिर्फ 6 महीने की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद साथ में सेलिब्रेट करेंगे नीट का सिलेक्शन। अब भी 6 महीने से पढ़ाई कर लो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें सिलेबस कब तक ख़त्म करना है अपना। तो देखो, 6 महीने बचे आपके पास पूरे, आपको 4 महीने के अंदर अंदर अपना सिलेबस ख़त्म करना है एट एनी हाउ। ठीक है, क्योंकि एंड के 2 महीने मार्च एंड अप्रैल आपको रिविज़न और मॉक टेस्ट के लिए छोड़ने हैं, आपको इन्हीं 4 महीने में सिलेबस अपना कम्प्लीट करना होगा। अब ये बोलना तो बहुत आसान है कि 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, बट आई नो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि 4 महीने में कंप्लीट करें कैसे। तो देखो, अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप गो विद द फ्लो, वहाँ पे जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एंड अगर आप अभी किसी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप मत हो, आप यूट्यूब से पढ़ लो। मैंने खुद यूट्यूब से पढ़ाई की थी सेल्फ स्टडी, आप वहाँ के लेक्चर्स देख लो, जो वन शॉट वहाँ पे अपलोडेड है वो इनफ है यार। मतलब ऐसा मत सोचो कि वन शॉट है तो मतलब यहाँ पे कंटेंट नहीं होगा या यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा हुआ है और मेरी 666 स्कोर था, 666, तो इतने अच्छे मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आपका क्यों नहीं होगा। मैंने सिर्फ यूट्यूब के वन शॉट्स देखे हैं, NCERT रीड करी है और आगे जो भी है वो मैं बताऊंगी। बट नीट में सिलेक्शन के लिए जो जो हमें पढ़ना है वो सब तो पढ़ाया ही है ना, तब भी तो ये स्कोर आया है, अदरवाइज नहीं आता। तो वहाँ पे सब कुछ है जितना आपको नीट के लिए नेसेसरी है। जो बैचेस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है जो एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती नीट में सिलेक्शन के लिए। नीट के लिए जितना आपको NCERT बेस पढ़ना है उतना आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ठीक है, बैचेस में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो अभी अगर आप कोई बैच वगैरह ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे इतना एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा कि शायद उतना कंप्लीट करने का आपके पास टाइम नहीं है अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इतना ज़्यादा वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उतना टाइम ही नहीं है आपके पास। जो टाइम है उसमें आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, प्लस साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मैंने एक भी चीज़ आउट ऑफ NCERT नहीं पढ़ी थी, मैं स्ट्रिक्टली मैंने सिर्फ NCERT बेस पढ़ाई थी, 100% NCERT बेस, तभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाया था। अगर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ती तो कभी हो ही नहीं पाता। तो वही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि सिर्फ NCERT बेस पढ़ो,
तो वो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। और मैंने जोन जोन से लेक्चर्स अटेंड किए थे उन सारे लेक्चर्स की जो प्रॉपर प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी लिंक, आप उन प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से लेक्चर्स देख सकते हो। एंड अगर इन केस आपको बहुत ज़्यादा है कि नहीं दिया हमें तो मतलब हमें तो बैच चाहिए, बिना बैच के हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमें मतलब है कि हमारा डेली का टारगेट वहीं से बने, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको बैच लेना है तो आप ऐसा बैच लो जो या तो अभी स्टार्ट हुआ हो या फिर वो ज़्यादा पुराना ना हो। बिकॉज़ अगर आप बहुत पुराना बैच ले लोगे तो वहाँ का इतना ज़्यादा बैकलॉग होगा आपका लेक्चर्स का, आप उसी बैकलॉग को कवर करने के स्ट्रेस में आपका सारा प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो बैकलॉग आप कवर कर ही नहीं पाओगे। वो वहाँ पर जितना पढ़ा है वो उस हिसाब से पढ़ाया है, उस टाइम के हिसाब से। आपको वो बैच लेना चाहिए जहाँ पर 6 महीने के हिसाब से पढ़ाया जा रहा हो, तो कुछ चीज़ें वो हटा देंगे जो बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो फिर थोड़ा और उसको एनसीईआरटी बेस कर देंगे। तो वो बैच आप लो तो उस बैच में ज़्यादा फालतू का नहीं पढ़ाया जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग जो जो इम्पॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में है वही सब पढ़ाया जाएगा। तो इन केस अगर आपको बैच लेना है तो आप ऐसा बैच लो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये बता दिया। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है, जो बच्चे ऑलरेडी किसी कोचिंग में एनरोल्ड है, कि उनका सिलेबस मार्च एंड में या मिड मार्च के अराउंड ख़त्म हो रहा होगा, ठीक है, जो ज़्यादातर कोचिंग्स में होता है जितना मैंने देखा है, कि मार्च एंड या मिड मार्च के अराउंड सिलेबस कंप्लीट होता है। और मैंने बोला आपको फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे आपको ये हो रहा होगा कि हमारा सिलेबस अब लेट कंप्लीट हो रहा है, अब कैसे करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो चैप्टर्स वहाँ पे लेट हो रहे हैं, मतलब फरवरी के बाद हो रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप अपने साइड से यूट्यूब से पढ़ के ख़त्म कर दो, ठीक है, मतलब पढ़ के निपटा दो, ताकि अगर मार्च में जब कोचिंग में चलेगा तो वहाँ से आपकी और एक्स्ट्रा रिवीजन ही होगी, बट आपका एटलीस्ट सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं होगा कि यार मेरा सिलेबस भी रहता है, सिलेबस आप एट एनी हाउ अपना फरवरी तक कर लो, ठीक है, ताकि आपका एटलीस्ट वन टाइम रिवीजन हो जाए पूरी। और फिर जब मार्च में कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तब वहाँ से आप वो उन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो, एटलीस्ट वो आपका रिवीजन होगा, वो आपका सिलेबस कंप्लीशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर और उसके साथ साथ आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस हो चुका होगा। सो दिस इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट यू इन दिस केस। तो ये जो हुआ है ये बहुत ब्रॉडली हुआ है, ठीक है, मैंने बहुत ब्रॉडली बात की है कि आपको किस महीने में क्या क्या करना है। अब थोड़ा माइन्यूटली बात करते हैं, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, ठीक है। आपको डेली 12 से 15 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, इतना मस्ट है अगर आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करो। और अगर इवन आपका पहले से हो भी रखा है थोड़ा बहुत, तब भी आपको इतना पढ़ना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना है। अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगी फोर्सफुली पढ़ो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, फोर्सफुली कभी नहीं पढ़ना। आप अपना एक मोमेंटम बनाओ, ठीक है, धीरे धीरे आप अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करो। अगर आप ऐसे बच्चों जो अभी 12 to 15 आवर्स की डेली स्टडी कर रहे हैं, तो ट्राई टू मेंटेन इट, इसको कंसिस्टेंटली रखो। आपका टारगेट ये होना चाहिए आपको डेली रेगुलर बेसिस पर इतनी आवर्स की पढ़ाई करनी है। और अगर कोई बच्चा अभी 5 to 6 आवर्स पढ़ रहा है, तो योर टारगेट शुड बी कि नेक्स्ट डे से ज़्यादा पढ़ो। अगर आज 5 आवर्स पढ़े तो नेक्स्ट डे ट्राई कि वो 6 आवर्स हो जाए, फिर उसके बाद उसको अगले दिन ट्राई करो कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करो, एंड उसको अपना 12 to 15 आवर्स जो रिक्वायर्ड है उस तक लेकर आओ। फोर्सफुली नहीं पढ़ना, बिकॉज अगर आप मेरे कहने पे बैठ जाओगे एक दिन 12 से 15 घंटे पढ़ने, हो सकता है पढ़ लो, बट वो रेगुलर नहीं हो पाएगा, और फिर रेगुलर नहीं हो पाएगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करोगे, फिर एक टाइम आएगा जब आप 12 आवर्स की स्टडी कर पाओगे, तो तब आपका मोटिव होना चाहिए उसको रेगुलरली मेंटेन करने का, ठीक है। एंड ऑल आई वॉन्ट टू से गिव योर 100%, हर दिन आपको अपना 100% देना है। ट्राई जितना आपके अंदर फुल पोटेंशियल है ना, लगा दो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्लीप या फिर अपने बॉडी मेंटल हेल्थ के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करो। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, 7 to 8 आवर्स की, वो मस्ट है। आपकी मेंटल हेल्थ ही होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ ही होनी चाहिए। सो हेल्दी रहना है, अच्छा खाना खाना है, ज़्यादा जंक फूड मत खाना, थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, इस टाइम पे, ताकि आपका ब्रेन जो है इफेक्टिवली वर्क करे। एंड स्टडी हैप्पीली, खुशी से पढ़ना यार, ऐसे स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, उससे क्या हो जाएगा। जब आप खुशी खुशी पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा, तब आपकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। तो एकदम स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करो यार। मॉक टेस्ट दोगे जब आप, तो उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा, जो मार्क्स कम आता है सबके साथ होता है, तो वो तो ठीक है, बट पढ़ाई करते वक्त कोई स्ट्रेस नहीं लेना, पढ़ाई करो, इन्जॉय होके करो, ठीक है। वो चीज़ तो यू शुड इन्जॉय, बिकॉज वो आपने चूज़ किया है, ठीक है। अभी आप MBBS में जाओगे, वहाँ पे और ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईजी MBBS में भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो अगर आप पढ़ाई अभी खुश होकर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहाँ कैसे करोगे, वहाँ पे भी तो आपको वही करनी है। MBBS में आप जा रहे हो तो वहाँ पे पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, यू चोज दैट फील्ड, तो वहाँ पे जब पढ़ना ही है
तो फिर अभी से आदत डाल लो ना अच्छे खुशी खुशी पढ़ने की, स्ट्रेस फ्री होके। इतना क्यों स्ट्रेस लेना, मार्क्स का स्ट्रेस होता है बट पढ़ाई करते वक्त कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ठीक है तो मैंने ये बता दिया कि आपको कितने आवर्स की पढ़ाई करनी है डेली, अब इसमें आपको करना कैसे है। 12 आवर्स लेके चलते हैं, उसमें से 6 आवर्स का आपको लेक्चर अटेंड करना है और 6 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी को जानी चाहिए। सेल्फ स्टडी के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिविजन करना है। ठीक है, तो बाकी ओवरऑल वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअली, बट रफली आपका यही होना चाहिए। ठीक है, लेक्चर जितने भी आवर्स आप पढ़ रहे हो उसका हाफ टाइम आप लेक्चर को दो, हाफ आप उसको दो सेल्फ स्टडी, और उसमें भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। ठीक है, बट डेली ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सॉल्व एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कहीं से भी कर सकते हो जहाँ से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और रफली ये होना चाहिए कि 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 80-90 बायो के। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं, एंड रिवीजन में आप कोई भी प्रीवियस टॉपिक अपना रिवाइज कर सकते हो। और इनकेस अगर आपका संडे को मॉक टेस्ट होता है तो आप उस सेल्फ स्टडी वाले टाइम में अपना वो मॉक टेस्ट का सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हो। रिवीजन में आप वो चैप्टर रिवाइज करो और इन क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप वो चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ऐसे आपका साइड बाय साइड मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन होगी और हाफ टाइम आपका वो चलेगा लेक्चर जिसमें आप अपना न्यू सिलेबस कंप्लीट करोगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो ऐसे मत करना कि लेक्चर अटेंड किया और छोड़ दिया। जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम है ना, उसमें जो रिवीजन वाला टाइम है, उसमें से आधा घंटा एटलीस्ट दो जो आपने उस लेक्चर में पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए, अदरवाइज वो आपका बैकलॉग बन के पाइल अप होता रहेगा। बिकॉज आपने लेक्चर तो अटेंड किया बट वो आपने उसको रिवाइज नहीं किया, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने याद नहीं किया थोड़ा सा बिल्कुल भी, तो आप कुछ टाइम में वो सारा भूल जाओगे और आपको लगेगा कि यार वो कुछ नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना, जो पढ़ रहे हो उसकी भी आपको रेगुलर रिविजन करनी है, तो थोड़ा बहुत टाइम आप अपने स्केड्यूल में निकालना उस टॉपिक की रिविजन के, और बाकी टाइम आप अपना मॉक टेस्ट और प्रीवियस टॉपिक्स को दे देना। आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं, दैट इज़ मस्ट। आपको सबको पता है कि PYQ की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट तो कोई स्किप नहीं करेगा। अगर आप हर हफ्ते दे रहे हो वेल एंड गुड, नहीं दे रहे हो स्टार्ट गिविंग आफ्टर 15 डेज, इससे लेट नहीं होना चाहिए। आप 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देने से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको फिर हर हफ्ते देना स्टार्ट कर देना, बट स्टार्ट। ठीक है, शुरू तो करो, आप लोग शुरू ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते हैं जो मैंने खुद अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में की थी, और मैं सबको बोलती हूँ मत करो। मेरे को मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि दी कि हम पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले और उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, तो मैं हमेशा मना करती हूँ कि मत करो ऐसा। बिकॉज मुझे पता है आपका सिलेबस कभी ख़त्म होगा ही नहीं, आपको हमेशा लगेगा कि यार ये भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ, या वो नहीं आता, एक बार वो पढ़ लूँ। तो उस तरह से सिलेबस ख़त्म होने वाली फीलिंग तो कभी नहीं आएगी, और ये हमेशा होता है। ठीक है, आपको नीचे एक दिन पहले भी ये लगेगा कि यार मैं ये भूल रहा हूँ, ये टॉपिक मुझे नहीं आता, इससे क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या होगा, एक बार ये रिवाइज कर ले तो बहुत सारे डाउट्स चलेंगे उस टाइम पे भी, कि अब ऐसा लगेगा कि यार प्रिपरेशन नहीं है, इनकम्प्लीट सी लगेगी। वो लगता है, ठीक है, वो हमेशा लगता है, वो फीलिंग रहती है। बट क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट की बात करो, नीट तो आप नहीं छोड़ सकते, तो नीट तो आप देने जाओगे, बट मॉक टेस्ट आपके पास ऑप्शन होता है छोड़ने का। तो वो आपको जब इनकम्प्लीट सिलेबस वाली फीलिंग आती है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आपके पास क्योंकि ऑप्शन होता है मॉक टेस्ट को स्किप करने का, तो आप इजीली स्किप कर देते हो और फिर आपकी वो प्रिपरेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो और फिर मॉक टेस्ट देना, ऐसा नहीं होगा। आपको सिलेबस के साथ साथ मॉक टेस्ट देने होंगे। स्टार्ट विद द पार्ट टेस्ट। जो बच्चे ऑलरेडी हर हफ्ते पार्ट टेस्ट दे रहे हैं, आपको ये कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है देना, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, इट्स हाई टाइम नाउ। ठीक है, अगर आपसे हर हफ्ते नहीं हो पा रहा है, स्टार्ट करो, 15 दिन में एक दे दो, ठीक है, पार्ट टेस्ट, बट स्टार्ट करो। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, वरना आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सको। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू मेक एनी शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैंने नहीं बनाए थे किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे को सब कुछ पढ़ने की आदत है। बायो में आपको पता है पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट्स बना के करोगे क्या? शॉर्ट नोट्स में कोई पॉइंट स्किप हो गया और वही एग्जाम में आ गया फिर? तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू रीड एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो मैं उसी को पढ़ती थी बार बार, और मैं वही रिकमेंड करूँगी कि आप उसी को पढ़ो। एंड बाकी फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट्स इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शन शीट्स इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में आपके एक्सेप्शन से एक जगह लिखे हो जो चैप्टर्स है, एक पी ब्लॉक किया है ये सब तो वैसा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बाकी तो सारा ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं इनके एक्सेप्शन, पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है और उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इट्स बेटर कि वो सारी एक्सेप्शन आपके पास एक जगह लिखी हुई हो। और ऐसी बायो में
बायो में शॉर्ट नोट्स की नीड नहीं है, बट क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो एक जगह अगर आपके पास एग्जाम्पल्स लिखे हुए हो, एक जगह आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हो, आपने देखा होगा नीट 2023 में डेट के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो डेट भी अब आपको करनी है, डेट्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेट आ सकती है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन हो, ठीक है। और उसके अलावा आपके साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ऐसी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें जो बायोलॉजी की बुक में है जो रटने वाली होती है, ठीक है, जो हम इजीली भूल जाते हैं, बट क्योंकि किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है तो हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आई वुड सजेस्ट यू कि एक जगह लिखी हुई हो, ताकि आप फटाफट, मतलब अगर आपने पूरा चैप्टर याद कर रखा है, ठीक है, और मॉक टेस्ट से पहले आपको एक रिविज़न चाहिए, तो उन चीज़ों को देख लो, बिकॉज वो चीज़ें आपकी क्रैम अप टाइप है, क्योंकि वही चीज़ें आप यूजुअली भूलोगे क्योंकि वो आपकी क्रैम अप टाइप है, तो वही आप फटाफट रिवाइज कर लो। जो पार्ट अंडरस्टैंडिंग वाला है वो आपको याद रहेगा, ठीक है, वो याद रहता है, जो रटने वाला पार्ट है हम वही भूल जाते हैं, तो उसको रिवाइज कर लो बस, ठीक है, जैसे शेप्स वगैरह हो गई, तो वो सब चीज़ें। तो अब द गुड न्यूज़ इज़ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये सब कुछ प्रोवाइडेड है फॉर फ्री, आपको जस्ट जाना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और ये सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। देखो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन खुद से की है, सेल्फ स्टडी से, और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, मतलब आई डिडेंट स्पेंड अ सिंगल पेनी फॉर माई नीट प्रिपरेशन इन माई ड्रॉप ईयर, ठीक है। तो ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन मैंने खुद से की थी, और क्योंकि वो सारा मटेरियल जो मैंने यूज़ किया था, ठीक है, वो सारा मटेरियल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है, ताकि आप लोग भी वो मटेरियल यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो वो हाँ, आपको बस जाना है, ज्वाइन करना है एंड यूज़ करना है, इट्स ऑल फॉर फ्री। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, देखिए DPP वगैरह मिल जाएगी, बाकी मैंने PW की NCERT पंच प्रोवाइड कर रखी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप वो सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा मॉक टेस्ट मैं डेली रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ, जैसे जैसे मॉक टेस्ट मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाओ, उनका सिलेबस देखो एंड स्टार्ट गिविंग दे। NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट ही अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ NCERT अगर मुझे कहीं पे भी लगता है कि एक भी क्वेश्चन है तो मैं वो मॉक टेस्ट नहीं अपलोड करती हूँ, क्योंकि वो नहीं करना, फिर आपको सिर्फ NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई अभी, बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, वो सब भी मिलेगा, इवन उससे ज़्यादा मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं मैंने क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग एक बार जाके देख लो, ठीक है, कि वहाँ पे क्या क्या है और आपके क्या क्या मटेरियल यूज़ का है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ जाओ और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वो चैनल आप लोगों के लिए ही है, आप ही के बेनिफिट के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को भी वो सारी चीज़ें, वो सारा मटेरियल फ्री में मिल जाए जो मैंने यूज़ किया, और आपका टाइम वेस्ट ना हो उन सब मटेरियल को सर्च करने में, एक जगह यू विल गेट एवरीथिंग। सो यू गाइज नीड टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी से आपको काम करना है, हो जाएगा, ठीक है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना, हो जाएगा, बस करते रहो, ठीक है, रुकना नहीं है, गिवअप नहीं करेगा कोई भी, और बाकी पेशेंस बहुत लगेगी, बिकॉज पढ़ाई कर रहे हो तब तो ठीक है, हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन खुद से सॉल्व होने लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट मॉक टेस्ट में कुछ सीरी मिस्टेक्स ऐसे हो जाती है कि मार्क्स नहीं आते और बहुत हर्ट होता है, इतनी मेहनत की एंड स्टिल वही रिजल्ट। एंड सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम अगले मॉक टेस्ट के लिए और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा इनपुट डालें एंड रिजल्ट उतना ही या उससे कम मिल जाए, ठीक है, ऐसा भी होगा कि पहले से अच्छा आप प्रिपेयर करोगे बट रिज़ल्ट हो सकता है आपको उससे बेकार मिले, डिपेंड हो सकता है कि मॉक टेस्ट उसका टफ आए अगली बार का, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपका मॉक टेस्ट का रिजल्ट इंक्रीज ही होता रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, किसी में अच्छा किसी में बुरा चलेगा, तो वहाँ पे बहुत पेशेंस लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है उस मार्क्स को देखकर कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड स्टिल ये रिजल्ट, अगर नीट में भी यही मार्क्स आ गए तो क्या फ़ायदा हुआ, हमने ड्रॉप लिया है, कितनी पेरेंट्स को कितनी मेहनत से मनाया था कि करेंगे और फिर नहीं आ रहा, बहुत सारे थॉट्स आ जाते दिमाग में। प्लीज़ आपको उस सबको हैंडल करना पड़ेगा, उससे ओवरकम करना पड़ेगा और पेशेंटली उस सिचुएशन को डील करना पड़ेगा, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, आपको मार्क्स नीट में लाने हैं, किसी मॉक टेस्ट में नहीं लाने, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लो कि अच्छा हुआ हमारी गलती अभी हो गई, ठीक है, हमें अपनी गलतियाँ पता चल गई, ये गलतियाँ हमारी नीट में नहीं होगी, हम वहाँ पे इम्प्रूव कर लेंगे, अगर ये गलतियाँ हमारी नीट में हो जाती तो फिर ज़्यादा हर्ट होता, क्योंकि ये रिजल्ट हमें नीट में नहीं चाहिए, नीट में हमें इससे अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो हमें पहले नीट से पहले मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारी खूब गलतियाँ हो वो हमें पता चले और वो नीट में ना हो और नीट में हमारा रिजल्ट अच्छा है। सो टेक इट इन दैट वे कि हम जिस मोटिव के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो फुलफिल हो रहा है, हमारी गलतियाँ हो रही हैं, हमें पता चल रही है और ये गलतियाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं और नीट में नहीं होगी, एंड अल्टीमेटली आपको नीट में स्कोर चाहिए। नीट का जो स्कोर होता है वो आपके ओवरऑल सारे मॉक टेस्ट के स्कोर की मेहनत होती है, ठीक है, आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए, जितनी भी आपने पढ़ाई की है, रिविज़न किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उन सबका बेस्ट होता है वो मार्क्स जो आपके नीट में आते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना बेस्ट देना है,
ठीक है, और वहाँ पे आपको अपना बेस्ट स्कोर चाहिए। नहीं, मॉक टेस्ट में आपको नहीं चाहिए अपना बेस्ट स्कोर, ठीक है। मॉक टेस्ट में बेस्ट स्कोर लाके क्या करोगे, मॉक टेस्ट में तो आपको है ना कि भाई आपको जितनी ज़्यादा गलतियाँ पता चलेगी उतना फ़ायदा होगा। तो जब भी मार्क्स कम आए ट्राई टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, मैं तो यही करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था, तो मैं यही सोच लेती थी अच्छा हुआ मेरे कम मार्क्स आए हैं, मुझे मेरी गलतियाँ पता चल गई, नीट में नहीं होंगी गलतियाँ। और क्या मतलब क्या फ़ायदा भाई मॉक टेस्ट में तुम टॉप मारो और फिर नीट में तुम्हारे मार्क्स ना आए, ऐसा तो नहीं करना, ठीक है। करके क्या मिल जाएगा, ये मॉक टेस्ट आर मेड फॉर एनालाइजिंग आर प्रिपरेशन, जो हो रही है हमारा मोटिव फुलफिल हो रहा है दैट्स इनफ। तो उसको प्लीज़ इतना स्ट्रेस मत ले लेना कि आप अपनी पढ़ाई रोक दो, अपना दिन खराब कर दो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, गलतियाँ इंप्रूव करो, यू आर डन विद योर जॉब। यही पर्पज़ था मॉक टेस्ट देने का जो आपने कर लिया, ठीक है। सो प्लीज़ नेवर लूज होप और प्लीज़ मेहनत करते चलो, और आखिरी दिन तक मेहनत करनी है, आखिरी सेकेंड तक मेहनत करनी है। मैंने तो पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि नीट से एग्ज़ाम के एकदम एंड मोमेंट तक मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, जो एंट्री टाइम था मैं उसी टाइम पे गई थी। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं कि ठीक है बस हो गया और नहीं पढ़ा जा रहा, या फिर अब माइंड को रिलैक्स करते, तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं उस टाइप में हूँ, आई एम लाइक कि मेरे को एकदम एंड मोमेंट तक मेहनत करना पसंद है, एफर्ट्स डालना पसंद है, तो मैंने डाले थे। और एक टॉपिक था जो मैंने पूरे अपनी नीट प्रिपरेशन में खोला भी नहीं था, ठीक है, उसे पढ़ा भी नहीं था, और मैंने रैंडमली बस जाते जाते कलर्स देख लिए थे कि इस कंपाउंड के क्या कलर्स होते हैं। वो ऑर्गेनिक का था वो टॉपिक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले टॉपिक से था, तो मैंने उधर कलर्स दे रखे हैं एंड में रिएक्शंस के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके, तो मैंने बस वो कलर्स देख लिए थे कि क्या कलर बनता है किस कंपाउंड का, और मैं चली गई थी। एंड एग्ज़ाम में जब वो कलर के ऊपर क्वेश्चन आया तो इतना अच्छा लगता है कि यार आखिरी मोमेंट तक जो मैंने मेहनत करी और मैंने वो देख लिया वो वेस्ट नहीं गई, अब मैं वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई हूँ। तो आपके एक एक सेकंड की मेहनत काउंट होती है, और हमेशा कोई ना कोई मैजिक होगा अगर आपकी मेहनत सच्ची है। सो जस्ट वेट फॉर दैट मैजिक और आप अपना बस मेहनत करते चलो, दिस इज़ योर जॉब, ओके। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। एंड थैंक यू सो मच गाइज़।